इसका मतलब भारत माता की हत्या आपने मणिपुर में की। रावण दो लोगों की सुनता था, मेघनाथ और कुंभकर्ण। वैसे ही नरेंद्र मोदी दो लोगों की सुनते हैं, अमित शाह और अडानी। भाई और बहनों, हमने रावण को नहीं मारा था, रावण के अहंकार ने रावण को मारा था। आप पूरे देश में केरोसिन फेंक रहे हो, आपने मणिपुर में केरोसिन फेंकी और फिर चिंगारी लगा दी, अब आप हरियाणा में कर रहे हो, पूरे देश को आप चलाने में लगे हो। आप देशद्रोही हो, आप देशभक्त नहीं हो, आप देश प्रेमी नहीं हो, आप देशद्रोही हो। This video presented by Peace Islamic International School Branch Hadraga Road and Misbah Nagar Gulbarga. Students getting education for both the worlds. Best academic English education. Diploma in Arabic. 2023 admission started. Contact and visit school for more details. मैं मणिपुर गया और मणिपुर के कैंप्स में मैंने महिलाओं से बात की, बच्चों से बात की, जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने आज तक नहीं किया। एक महिला मुझे कहती है, मैंने उनसे पूछा, बहन क्या हुआ आपके साथ? एक मंत्री बोल रहे, एक एक मंत्री खड़े होके बोल रहे, एक एक मंत्री खड़े होके ऐसे कर रहे, एक एक मंत्री खड़े होंगे तो पूरे सांसद खड़े होंगे यहाँ पे, पूरे सांसद खड़े होंगे यहाँ पे, बैठे नहीं है, चुपचाप करिए, पूरे सब खड़े होंगे, पूरे सब खड़े होंगे। फिर कांग्रेस पार्टी ने पूरा देश खड़ा होगा आपके खिलाफ, तो पूरा देश आपके खिलाफ खड़ा होगा। मैं बहुत सारी महिलाओं से बात किया, मगर मैं आपको दो उदाहरण देना चाहता हूँ। एक महिला मुझे कहती है, मैंने कहा क्या हुआ तुम्हारे साथ? कहती है, मेरा छोटा सा बेटा, सम्मान कर, ये सम्मान, एक ही बच्चा था मेरा, कोई शर्म कर लो, एक ही बच्चा था मेरा, मेरे सामने, मेरे आंखों के सामने उसको गोली मारी है। मैं पूरी रात, आप सोचिए, आप अपने बेटे के बारे में, बेटों के बारे में सोचिए, मैं पूरी रात उसकी लाश के साथ लेटी रही। झूठ नहीं, झूठ आप बोलते हो, झूठ मैं नहीं बोलता हूं। मैं पूरी रात उसकी लाश के साथ लेटी रही और फिर मुझे डर लगा, मैंने अपना घर छोड़ दिया, जो भी मेरे पास था वो मैंने छोड़ दिया। मैंने उनसे पूछा, कुछ तो लाई होगी? कहती है, नहीं, सिर्फ मेरे जो कपड़े हैं ये मेरे पास हैं। और फिर इधर उधर ढूंढती है और एक फोटो निकालती है और मुझे कहती है, यही मेरे पास अब बची है। जैसे मैंने भाषण के शुरुआत में बोला, भारत एक आवाज है, भारत हमारी जनता की आवाज है, दिल की आवाज है, उस आवाज की हत्या आपने मणिपुर में की। इसका मतलब भारत माता की हत्या आपने मणिपुर में की। भारत माता को आपने मणिपुर के लोगों के मारा, आपने मणिपुर के लोगों को मारकर भारत की हत्या की है। आप देश द्रोही हो, आप देशभक्त नहीं हो, आप देश प्रेमी नहीं हो, आप देश द्रोही हो, आपने देश की हत्या मणिपुर में की। प्लीज प्लीज एप्रेट, प्लीज प्लीज बैठे, प्लीज प्लीज बैठिए। अब सवाल उठता है, आप बैठना चाहते नहीं बैठना चाहते? आप बैठना चाहते नहीं बैठना चाहते? इसीलिए आपके प्रधानमंत्री मणिपुर में नहीं जा सकते, क्योंकि उन्होंने
प्लीज। देश की हत्या की है मणिपुर में, मणिपुर में हिंदुस्तान की हत्या की है, भारत माता की हत्या की है। रावण रावण दो लोगों की सुनता था, रावण दो लोगों की सुनता था, मेघनाथ और कुंभकर्ण। वैसे ही नरेंद्र मोदी दो लोगों की सुनते हैं, अमित शाह और अडानी। भाई और बहनों, लंका को हनुमान ने नहीं जलाया था, लंका को रावण के अहंकार ने जलाया था। प्लीज माननीय सदस्य, आप सही में बोले, आप ये सदन है, आप तरीके से बोलिए। माननीय राम ने रावण को नहीं मारा था, रावण के अहंकार ने रावण को मारा था। आप पूरे देश में केरोसिन फेंक रहे हो, पूरे देश में आप केरोसिन फेंक रहे हो। आपने मणिपुर में केरोसिन फेंकी, अपनी चिंगारी लगा दी, अब आप हरियाणा में कर रहे हो, पूरे देश को आप जलाने में लगे हो। आप पूरे देश में भारत माता की हत्या कर रहे हो। धन्यवाद स्पीकर। कुछ ही दिन पहले मैं मणिपुर गया, हमारे प्रधानमंत्री नहीं गए, आज तक नहीं गए, क्योंकि उनके लिए मणिपुर हिंदुस्तान नहीं है। मैंने मणिपुर शब्द प्रयोग किया, मगर आज की सच्चाई यह है कि मणिपुर नहीं बचा है। मणिपुर को आपने दो भाग में कर दिया है, मणिपुर को आपने बांट दिया है, तोड़ दिया है। मैं मणिपुर में रिलीफ कैंप्स में गया, रिलीफ कैंप में आज जा रहा हूं। मणिपुर में रिलीफ कैंप में मैंने महिलाओं से बात की। दिस वीडियो प्रेजेंटेड बाय पीस इस्लामिक इंटरनेशनल स्कूल ब्रांच हगरगा रोड एंड मिसबा नगर गुलबर्गा। Students getting education for both the worlds. Best academic English education. Diploma in Arabic. 2023 admission started. Contact and visit school for more details.